आज मैं बनाऊंगी मोमो चटनी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आप जब भी कभी रेस्टोरेंट या ढाबे पे जैसी चटनी खाए होंगे, बिल्कुल उसी स्वाद में वही टेस्ट, रेड कलर की चमकती हुई चटनी बना के दिखाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, शिविका किचन 321 में आप लोगों का स्वागत है। और ये है, चार टमाटर हमने ले लिए हैं और ये चार पांच कलियां मैंने लहसुन का ले लिया है, मैंने छील लिया है। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और मैंने ये 8-10 ठे मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, ये नॉर्मल लाल मिर्च है, सूखा वाला। इसको मैंने हल्का सा धो के धो दिया है ताकि इसके ऊपर जो भी गंदगी हो वो निकल जाए, इसलिए मैंने इसको जरा सा धो दिया है। और ये मैं इन सब से मिला के मोमोज की चटनी बना के आपको रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे प्लीज़ प्लीज़ निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी अच्छा सा कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अच्छी रेसिपी बना पा रही हूँ या नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं प्लीज। चलिए वीडियो, अभी मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसमें मैं सारे टमाटर को काट लेती हूँ। अभी मैंने गैस पे एक तपेला ले लिया है, उसको रख दिया है। आपके पास चाहे कढ़ाई में, जिसमें भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जितना आप लेंगे टमाटर, जितना आप क्वांटिटी रखें उतना बड़ा बर्तन आप ले लें। अब इसमें मैं कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें एक खड़ा सूखा मिर्चा डाल देती हूँ और ये अदरक का और लहसुन का कटा हुआ सब इसमें डाल देती हूँ। अभी इसमें मैं आधा गिलास, कितना पानी डाल दी मैंने इसमें, आधा गिलास पानी डाल दिया है। अभी मैं गैस को स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैंने गैस स्टार्ट कर दिया है। अभी ये उबाल देखिए आ रहा है। अभी इसको आप 10 मिनट आप इसको पका लीजिए जिससे ये सॉफ्ट हो जाए, मिर्चा भी और टमाटर भी। अभी मैंने ये कटोरी ले लिया है और इसमें मैं कॉर्न फ्लोर डाल रही हूँ। करीब इसमें मैं 1.5 चम्मच कॉर्न फ्लोर ले रही हूँ, मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा हम कलर डालेंगे। इसमें मैं 1 चुटकी भर कलर डालती हूँ। कलर इसलिए डाला जाता है ताकि चटनी का कलर रेड रेड एकदम खिल के एकदम चमकदार, आरारोट से क्या है चमकते हुए और बहुत ही टेस्टी चटनी बनके कलरदार दिखेगी। और अगर आपके पास कलर नहीं हो तो आप क्या करना, कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि वो तीखा नहीं होता है, आप उसको थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो कलर थोड़ा सा और चटनी का बढ़ जाएगा। इसको आप अच्छे से घोल बना लीजिए। अभी मैंने इसको पतला घोल लिया है। अभी मैं इस टमाटर उबल रहा है इसमें मैं इसको डाल देती हूँ। अभी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए कलर डालते हुए और इसमें कलर से क्या है रेड रेड कलर दिख रहा है, और जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला उससे क्या है कि चटनी में, देखिए कॉर्नफ्लोर से क्या है चटनी में एक चमक सी दिख रही होगी आपको और बहुत ही अच्छा गाढ़ापन भी हो जाता है। अभी इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 1-2 मिनट और इसको पका लीजिए। ये चटनी जो मैं बना रही हूँ ये मैंने, मेरे एक पास के भैया हैं ठेले वाले, वो इसी तरह अपने ठेले पे चटनी मोमोज बनाते हैं और इस तरह से चटनी बना के वो मोमोज की और मोमोज के साथ वो सर्व करते हैं। उन्होंने मुझसे ये टिप्स शेयर किया, बहुत पूछने पर वो ऐसा बनाते हैं, बोलते हैं कि रेस्टोरेंट वाले सब, ढाबे वाले सब इसी तरह से चटनी बनाते हैं जो बहुत ही टेस्टी और चमकदार दिखती। और वो लोग क्या है इसमें, जो मैंने एक घर पे मैं बना रही हूँ इसलिए मैंने लहसुन को छील दिया था, और वो लोग क्या करते हैं, उनको ज़्यादा बनाना रहता है तो क्या है भाई, डेयरी का उनका रोज डेली का उनका रूटीन का काम है, तो वो क्या करते हैं लहसुन को बिन छीला हुआ इसमें डाल देते हैं और हमने छील के डाला है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, 10 मिनट हो गया है, और मैंने अरारोट डाल के भी, कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसको और 1-2 मिनट पका लिया है।
अभी इसको ठंडा कर लेते हैं हम दूसरे बर्तन में इसको पलट देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर इसको हम पीसेंगे। अभी ये ठंडा हो गया है, अब इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल के मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। मेरे चैनल पहले ही मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप जाके देखिएगा, मोमोज की है और मैंने ये मोमोज की चटनी भी बनाया है, वो थोड़ी अलग तरीके से बनी है। सेम चीज़ सा जो सामान इसमें पड़ा है सब सामान उसमें भी पड़ा है, लेकिन थोड़ा बनाने का प्रोसेस अलग है। आप जाके उसको भी देखिए और बनाइए, दोनों तरह से जो आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगे ये बनाइए, वो अच्छा लगे वो बनाइए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सी चटनी ज़्यादा पसंद आई। और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। अभी मैंने एकदम फाइन पेस्ट पीस लिया है, अभी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट आप 1-1.5 चम्मच डाल दीजिए, मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच, और अगर आप चाहें तो चटनी आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। आप जितना, वैसे भी चटनी गाढ़ी ही रहती है इसकी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ी सी पानी आप पीसते टाइम ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा, कम बेसी कर लीजिएगा। लिया है इसको भी मैं बारीक काट लेती हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया 2 चम्मच कटा हुआ डाल देती हूँ। इसमें मैं अजीनोमोटो डाल रही हूँ, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है, और इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अजीनोमोटो डालने से इससे बहुत अच्छा टेस्ट चटनी में आता है, आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उसका अलग ही फ्लेवर मिलता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि ज़रूर आप इसमें अजीनोमोटो डालें। अब इसको अच्छे से आप चटनी मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। कई लोग इसी चटनी को क्या करते हैं, पहले पीस के फिर तड़का देते हैं, फिर आप उबालते नहीं हैं, कोई उबाल के बनाते हैं, कोई तड़का देते हैं, सब अपना अपने तरीके से बनाते हैं। अभी मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाया है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अभी देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा होगा आपको, देखने से ही पता चल रहा है कि चटनी बहुत ही अच्छी बनी है, और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। इस तरह से चटनी आप ज़रूर बनाइए और आप ज़रूर खाइए। आप इसको मोमोज के साथ और फ्राई राइस के साथ और चिल्ली पोटैटो के साथ, आपको जिससे भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो आप उससे आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ज़रूर आप बनाएं इस तरह से चटनी और खाएं और बताएं आपको कैसी लगी मेरी चटनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।